हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, यानी कि 5 दिसंबर 2023। जी हाँ, 5 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, एंड प्लीज एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है। जी हाँ, क्लास की देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बेसिकली आजकल थोड़ा सा यातायात के जो ट्रैफिक है उसकी वजह से थोड़ा सा क्लास जो है आज डिले हुई है। ठीक है, चलिए, तो माफ़ी चाहता हूँ, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। चलिए तो बढ़ते आगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ 5th ऑफ दिसंबर, 5 दिसंबर 2023, यानी कि आज का दिन। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिविल स्टाफ ने अपना TGT कमीशन का नया बैच 27th ऑफ नवंबर से स्टार्ट किया था। 27th ऑफ नवंबर से स्टार्ट किया है, अभी भी इसमें एडमिशन ऑन गोइंग है। आप स्टार्ट करना, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। PGT का बैच 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 11th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं 11 दिसंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की सेशन की। और सबसे पहला करंट अफेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है, वर्ल्ड सॉयल डे। जी हाँ, दुनिया भर में हमारी जो मिट्टी है इसकी इंपॉर्टेंस को रेज करते हुए हम एक दिन ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड सॉयल डे। 5 दिसंबर को होता है, तो हर साल 5th ऑफ दिसंबर को एज अ सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ वर्ल्ड सॉयल डे, मिट्टी का दिवस। अब हर साल जब वर्ल्ड सॉयल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को, तो इसका एक थीम भी रहता है। तो इस बार इसका थीम क्या रहा, तो इस बार इसका थीम था सॉयल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये थीम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 2014 से हम हर साल ऑब्जर्व करते आ रहे हैं वर्ल्ड सॉयल डे। जी हाँ, सो ध्यान रखिएगा, विश्व मिट्टी दिवस, तो हमारी मिट्टी की इंपॉर्टेंस को रेज करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अब अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज फिर से बता देता हूँ, नेवी डे। जी हाँ, नेशनल नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस को हम ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को। अब देखिए, 4 दिसंबर का ये जो दिन है जिसको हम भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, ये रिलेटेड है ऑपरेशन ट्राइडेंट से। ऑपरेशन ट्राइडेंट की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, 1971 में जब एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई नौसेना के बीच में भी होती है। भारतीय नौसेना ने कराची हार्बर के ऊपर अटैक किया था और कराची पोर्ट का बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तानी फोर्स को पहुंचाया। जी हाँ, हमने जो कराची बंदरगाह है उस पर काफी सारा नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, और यहाँ पर एक लड़ाई होती है भारत देश का, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट हम इसे बोलते हैं। तो उसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में हम 4 दिसंबर को नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर हम नेवी के जो पितामह है, फादर ऑफ इंडियन नेवी, हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधु दुर्ग बनाया था, तो उसी सिंधु दुर्ग के कारण उनको हम जानते हैं। सो आइए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिंधु दुर्ग को लेकर आपको और पढ़ाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं थीम बता देता हूँ कि थीम क्या रहा है इस बार का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरिटाइम डोमेन। मैरिटाइम का मतलब होता है समुद्र, पानी। तो यहां पर ऑर्गेनाइज किया है ये थीम पे ऊपर हमारा नेवी डे। अब इसी के चलते हुए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू जो है वो सिंधु दुर्ग के ऊपर इनॉग्रेट कर दिया। जी हाँ, तो राजकोट फोर्ट जो है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू यहाँ पर अटेंड किया गया, लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो फोर्ट जो है, ठीक है, ये जो हमारा राजकोट फोर्ट जो है, इसकी स्थापना 1660 में हुई थी मराठा साम्राज्य के पितामह छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राजकोट फोर्ट बनाया। सिंधु दुर्ग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इतिहास के पन्नों में, भारत देश के मैरिटाइम सेक्टर को बूस्ट करने के अंदर। सो ध्यान रखना आप सभी को, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? HPTGT कमीशन में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी, यस, वो भी आ सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन उम्मीद है कि आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आएंगे। हो सकता है HPGK वाले पार्ट में आपको कवर कर लिया जाए, वो करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाए, या फिर एक दो सवाल वैसे भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम जब
आपका पेपर आएगा तो रिवीजन करेंगे, तो एचपी वाले करंट अफेयर्स की भी रिवीजन कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए द नेक्स्ट इज द इलेक्शंस। देखिए हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब विधानसभा के चुनाव कौन कौन से राज्यों में होते हैं? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम, ये 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। अब मैं अगर 4 राज्यों की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों के अंदर अब कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बट इन दोनों राज्यों में भी अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। मध्य प्रदेश में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तेलंगाना में बनती है कांग्रेस पार्टी की सरकार, तेलंगाना में बन जाती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जो कि आपको ध्यान रहेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता 163 सीटों पर और सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ही है अगर पार्टी कोई फेस चेंज ना करे तो। उसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, 199 सीटों पर चुनाव होता है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें यहां पर जीत लेती है। अभी राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और अगर मैं उससे भी पीछे जाता हूँ तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। आगे बढ़ेंगे तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना के अंदर 119 सीटों पर चुनाव होता है, 119 सीटें उन्हीं पर चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी 64 सीटें जीतती है, 64 सीटें जीत लेती है और सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, 54 सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। इससे पहले यहाँ पर जो सरकार थी वो थी भूपेश बघेल जी की, जो कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। सो ये सारे इलेक्शंस का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ एक राज्य और, दैट इज मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, 40 में से अब 27 सीटें जो है वो जीत ली है जोरम पीपल्स मूवमेंट ने, जोरम पीपल मूवमेंट से। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ही ले पाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट ही आती है। तो अब बेसिकली 27 सीटों के साथ जोरम पीपल मूवमेंट यहाँ पर सरकार बना रही है। तो ये इलेक्शन का नतीजा था कुछ बेसिकली। आजकल की क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे, कल की क्लास में या परसों की क्लास में, कि कौन कौन मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है इनमें से 5 राज्यों में से, किस किस को कहाँ से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और इन 5 राज्यों के राज्यपाल को भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल ही होता है जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट करता है। सो ये ध्यान रखना है हम सभी ने, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगले करंट अफेयर की बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ऑस्ट्रेलिया अब अमेजन प्राइम पे दर्शाया जाएगा, अमेजन प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है वर्ल्ड कप क्रिकेट बाय द ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सो हमारा जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, इसने यहाँ पर प्राइम वीडियो के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। सो जो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो यहाँ पर अब प्राइम को दे दिए जाते हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये प्राइम वीडियो ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्ट्रीमिंग होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड कप दर्शाया जाएगा, वो रहने वाला है प्राइम, अमेजन प्राइम। ठीक है, अमेजन जो है यूएस की कंपनी है, इसके जो चीफ है उनका नाम है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, देखिए फीफा फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है और दुनिया भर में जो सबसे बड़ा इवेंट देखा जाता है वो है फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर अभी फीफा वर्ल्ड कप होता है अंडर 17 कैटेगरी में, और ये होता है इंडोनेशिया में, 2023 का ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया और जर्मनी इसको जीत लेता है। जी हाँ, सो जर्मनी ने जीता फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टाइटल इन इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान रखना है क्लियर। और पहली बार ऐसा हुआ कि जर्मनी ने खिताब जीत लिया है। सो बेसिकली एक सवाल और आ सकता है कि जर्मनी ने किसको हराकर ये खिताब जीता, तो जर्मनी ने फ्रांस को हराकर ये अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इसमें कुछ अवार्ड्स की बात करता हूँ तो ऑगस्टिन रोबोटो जो है इन्होंने 8 गोल मारे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हाईएस्ट गोल स्कोरर यहाँ पर ये रहते हैं, 8 गोल इन्होंने मारे हैं। सो मिस्टर रोबोटो जो है इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन बूट अवार्ड इनको दिया जाता है, और इसके साथ साथ गोल्डन बॉल अवार्ड एक मिलता है, वो किसको मिलता है, वो मिलता है ब्रनर को, वो मिलता है ब्रनर को, ब्रनर को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई। देखिये ये कैसा टूर्नामेंट है, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन,
ये बैडमिंटन के ऊपर एक टूर्नामेंट है जो कि सैयद मोदी जी के नाम के ऊपर रखा गया। अब सैयद मोदी कोई नरेंद्र मोदी के भाई नहीं है, सैयद मोदी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं हमारे पास, किसके, बैडमिंटन के। तो इसीलिए यहां पर बैडमिंटन का ये सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है। होस्ट किसने किया, मैंने अभी बताया पूजा जी, जो हमारा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप था ये इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया, इंडोनेशिया। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये होती है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज की गई बाबू बनारस की दास बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ के अंदर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको इनोग्रेट किया। बहुत सारी कंट्रीज से बैडमिंटन प्लेयर यहाँ पर आते हैं, हिस्सा लेते हैं। खिताब किसको मिलता है, तो मेन सिंगल का खिताब यहाँ पर मिलता है चाइनीज ताइपाई शी यू जेन को, और वुमेन सिंगल का खिताब मिलता है नोजोमी ओकुहोरा फ्रॉम जापान, शी इज द वर्ल्ड चैंपियन। सो ये यहाँ पर दो मेन अवार्ड यहाँ पर आते हैं। और इस टूर्नामेंट की जब मैं बात करता हूँ, इसकी शुरुआत 1991 में की जाती है, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन डिपार्टमेंट के द्वारा 1991 में आता है सैयद मोदी मेमोरियल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो ये सैयद मोदी बेसिकली एक कॉमनवेल्थ चैंपियन थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत परचम लहराया इन्होंने, चैंपियन थे। और बेसिकली नेशनल लेवल टूर्नामेंट इसको हमने ऑर्गेनाइज किया था 2003 में, 2004 में इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, और अब ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम के अंदर लखनऊ में। क्लियर? हर साल यही पे होता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर आता है नगार्जुन सागर डैम। देखिए नगार्जुन सागर डैम जो है, आप सबको ध्यान रखना है कि 2014 में, 2014 में आंध्र प्रदेश स्टेट को डिवाइड करते हुए हमने एक स्टेट बनाया, दैट इज तेलंगाना। जी हाँ, 2014 में भारत देश के अंदर एक राज्य का निर्माण होता है जिसको हम तेलंगाना कहते हैं। अब भारत देश के अंदर अगर हमें किसी राज्य को विभाजित करके दो राज्य बनाने हो, या फिर दो राज्य को मर्ज करके एक राज्य बनाना हो, यानी कि किसी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, तो ये अथॉरिटी हमारे पास होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति हमने पार्लियामेंट को दे रखी है। अब उसी तरह से जब ये स्टेट बनकर निकलते हैं, बेसिकली तेलंगाना बनकर निकलता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री आती है, उस बाउंड्री के बीच में एक नदी बहती है, कृष्णा नदी उसको कहते हैं, और वहीं पर बनता है एक डैम, नगार्जुन सागर डैम। अब ये जो डैम आता है ये तेलंगाना के अधीन किया गया, ये डैम जो है तेलंगाना के अधीन किया गया, बट यहां पर जो कृष्णा नदी बह रही है दोनों राज्यों की बाउंड्री के बीच में, उसका पानी दोनों राज्यों को मिलेगा, बट उसका पानी अधिक जो है वो मिलेगा आंध्र प्रदेश को, 66% जो है वो मिलेगा आंध्र प्रदेश को, 34% मिलेगा तेलंगाना को, 34 और 66 की रेशियो में इसको बांट दिया गया। अब हुआ क्या, तेलंगाना में अभी चुनाव भी थे, तो आंध्र प्रदेश को उसके हिस्से का पानी कुछ समय से दिया नहीं जा रहा था, उसके हिस्सा जो 66% पानी दिया नहीं जा रहा था, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लगभग 700 750 अपने पुलिस जवान भेज देते हैं यहाँ पर नगार्जुन सागर डैम पे, और इनके पुलिस जवान वहां पर आके ताला तोड़ते हैं और पानी को ओपन कर देते हैं, तो पानी जो है आंध्र प्रदेश की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वहां पर पानी दे दिया जाता है। अब इसके चलते हुए तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना की जो पुलिस है, वो आंध्रा पुलिस के, आंध्रा के जवानों के खिलाफ FIR दर्ज करती है, यानी कि दो स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है। अब आंध्र प्रदेश ये कहता है कि हमने सिर्फ अपने हिस्से का पानी लिया, हमें हमारे हिस्से का पानी दिया नहीं जा रहा था, तो हमें जो ट्रीटी के तहत हमें 66% पानी मिलना चाहिए था, हम वही अपना लेके हटे। अब इसके बीच में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो केंद्र सरकार ने जब हस्तक्षेप किया तो क्या मिला, केंद्र सरकार ने CRPF के जवान तैनात कर दिए। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जो है वो तैनात कर दिए, और ये फिक्स किया गया कि जैसे पहले चल रहा था, पहले मतलब जैसे जो डिवाइड किया गया है 2014 के स्टेट एक्ट के द्वारा कि 34% और 66% पानी जाएगा, उसी तरह से पानी का बाइफरकेशन किया जाएगा। सो कोई राज्य एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जबरदस्ती पानी नहीं ले सकता है, इस चीज को इंश्योर किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, नगार्जुन सागर डैम और कृष्णा नदी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? सो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत ये दिया गया था कि नगार्जुन सागर डैम जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के अधीन रहेगा, और ये जो है ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का और पालनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है ये नगार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी के ऊपर है, और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा
मैसनरी डैम ये माना जाता है। 1955 से लेकर 1967 के बीच में इसको बनाया गया था, और ये डैम जो है 816 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है 816 मेगावाट की। सो दैट्स काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है नागार्जुना सागर डैम। इसके साथ साथ मैं कृष्णा नदी की बात करता हूँ, तो ये लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नदियों में आती है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर निकलती है। लगभग ये वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से एंटर करती है, और लगभग 1400 किलोमीटर सफर करने के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका विंटर सेशन शुरू हो चुका है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन की शुरुआत हो चुकी है। हमारी पार्लियामेंट के एनुअल 3 सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के एनुअल में 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? सुबह सबसे पहले होता है बजट सेशन जो कि फेब में होता है, जनवरी लास्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद मॉनसून सेशन आता है जुलाई के आसपास, और उसके बाद विंटर सेशन होता है दिसंबर में। तो 3 सेशन एनुअली हमारे होते हैं पार्लियामेंट के। तो अभी विंटर सेशन की शुरुआत हुई है, और विंटर सेशन की शुरुआत के चलते हुए हमारी राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, सो अभी जगदीप धनखड़ हैं। तो जगदीप धनखड़ जी ने एक पैनल रिकॉन्स्टिट्यूट किया वाइस चेयरपर्सन क्या होते हैं कि अगर किसी वजह से चेयरपर्सन यानी कि उपराष्ट्रपति जी मौजूद नहीं है राज्यसभा के अंदर तो कौन उनकी कुर्सी पर बैठ सकता है। तो अभी 8 पर्सन को चूज करते हुए वाइस चेयरपर्सन पैनल बनाया गया, यानी कि इन 8ों में से कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है कुर्सी पे जब चेयरपर्सन नहीं है। और आपको पता होना चाहिए 50% वुमेन्स लिखा है यहां पर, यानी कि 8 में से 4 महिलाएं, 8 में से 4 महिलाएं यहां पर चूज की गई राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ सकती है। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस की एक एमपी है फूलो देवी नेतम, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एमपी है फैन नॉन कौनियाक, दर्शना सिंह, सोनल मान सिंह, ये 3ों में से 4ों में से कोई भी बैठ सकता है जब चेयरपर्सन नहीं है। ठीक है, जब चेयरपर्सन नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला करंट अफेयर क्या कहता है, अगला करंट अफेयर कहता है दक्ष मिशन। देखिए ये बात हो रही है बिहार राज्य की। बिहार भारत का ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बिहार की पॉपुलेशन अधिक है, बट बिहार में बिहार जो है देश की इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और भारत के इतिहास के अकॉर्डिंगली देखें तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार राज्य आता है। बट बिहार में शिक्षा का बहुत अभाव बढ़ता जा रहा है। कैसे? बिहार के अंदर पहले तो देखा जाता था चीटिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है, और शिक्षा का विस्तार बहुत बुरे लेवल पे है, टीचर्स जो है वो अच्छे तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, और बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट देखे जाते थे, यानी कि बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे और पढ़ाई करते ही नहीं थे। तो ऐसे में अब बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, ये बीच में आती है, और ये क्या करते हैं, ये एक मिशन लेके आते हैं दक्ष मिशन, जिसके चलते हुए वो स्टूडेंट्स जो हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में कमजोर है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो। तो बेसिकली दोपहर 3 बजे, 4:15 बजे यहाँ पर क्लासेस जो है, 3:30 बजे, 4:15 बजे क्लासेस आएंगी, और 60,000 जो है प्लस 60,000 प्लस स्कूल्स ऐसे खोले जाएंगे, और एक टीचर जो है 5 से ज्यादा बच्चों को नहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा, 5 से ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, एक टीचर जो है सिर्फ 5 बच्चों को ही पढ़ाएगा, 5 बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि प्रॉपर से हर किसी के ऊपर फोकस किया जा सके। सो ये बिहार का दक्ष मिशन है, बिहार का दक्ष मिशन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की शुरुआत भारत देश में हो चुकी है, तो 3 दिन की इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को भारत होस्ट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वो इसको इनोग्रेट कर चुके हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 दिन का ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, और बेसिकली ये 8वां अध्याय है, ये 8वां अध्याय है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब मेन बात आती है इसकी थीम की, तो इसका थीम क्या रहा, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका थीम रहता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है, इंडिया री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। भारत को फिर से इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल के लिए चुन लिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है, बहुत अच्छी वोटिंग से भारत जीता है। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये वो बॉडी है जो दुनिया में मैरिटाइम को लेकर वर्क करती है, समुद्र को लेकर, पानी को लेकर बात करती है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, जी हाँ, लंदन यूनाइटेड किंगडम में।
और आप लोगों को ये पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया कि यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों वो चार एरियाज को मिलाकर बनता है। कौन कौन से चार एरियाज? हाँ जी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड ये चार एरियाज को मिलाकर बनता है क्या, क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले करंट अफेयर की तरफ, वो है हमारे एमसीक्यूज। सो यहाँ तक जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल, डाउट, कंफ्यूजन रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो, एक बटन होता है आपके पास, ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो, अदरवाइज आप डिसलाइक वाला भी दबा सकते हो। चलिए एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब होता है, हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, जल्दी से, इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो दिस इज 4th of December, 4 दिसंबर को हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं क्या, नॉट फोर, इट्स थ्री, 3rd of December को ऑब्जर्व करते हैं, 3 दिसंबर को होता है, 3rd of December को इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, 3rd दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, कौन सा राज्य है जिसने दक्ष मिशन लॉन्च किया है स्कूल ड्रॉप आउट को मिनिमाइज करने के लिए। हाँ जी, दक्ष मिशन किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया, दक्ष की फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक अप्रोच फॉर द नॉलेज एंड स्किल, डायनामिक अप्रोच फॉर द नॉलेज एंड स्किल। सो कौन सा राज्य है, ये राज्य है बिहार, इस राज्य की राजधानी है पटना, इस राज्य के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने एक वाइस चेयरपर्सन का पैनल बनाया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, बताइए उसमें कितने मेंबर हैं, उसमें कितने मेंबर हैं। हाँ जी बहुत बच्चे, जल्दी से आंसर करना है, देखते हैं पहले कौन कर रहा है, अरुणा जी ने सबसे पहले आंसर किया, उसके बाद पूजा चौहान, रोहिणीश, लक्ष्मी, पूजा, रचना, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, स्वाति। सो 8 मेंबर हैं इसमें, 8 मेंबर, मैंने बताया ना 50% जो स्ट्रेंथ है वो महिलाओं की है, यानी कि 4 महिलाएं, 4 महिलाएं भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो 8 पर्सन का ये पैनल अपॉइंट किया गया। चलिए इंडियन नेवी डे कब होता है, इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे, इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, बताएं जल्दी से। तो इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, क्यों लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट कौन से वर्ष में था, कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से, ऑपरेशन ट्राइडेंट कौन से वर्ष में था, कौन से ईयर में था, जल्दी से ईयर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाफट, बहुत बढ़िया, ऑपरेशन ट्राइडेंट का ईयर बताना है। चलो अगले सवाल पे बढ़ रहा हूं मैं, आप सब लोग आंसर करेंगे उसका। हाँ जी अगला सवाल है, वर्ल्ड सॉयल डे कब होता है, वर्ल्ड सॉयल डे कब होता है, मिट्टी को लेकर कब हम एक दिवस ऑब्जर्व करते हैं, बताएं जल्दी से, वर्ल्ड सॉयल डे, यस यस, इट्स 1971, वेरी गुड वेरी गुड, पूजा चौहान, लक्ष्मी देवी, खनक रनौत, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल है मिट्टी को लेकर दिन, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर का दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए री इलेक्ट होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, मार्च 1948 में इसकी स्थापना होती है, और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए
आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, नागार्जुना सागर डैम जो है ये किस नदी पे बना हुआ है? नागार्जुना सागर डैम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे आता है, और आपको बताना है कि ये डैम जो है किस नदी पे बना हुआ है। ये डैम तेलंगाना के अधीन है। सो ये है कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आठवां अध्याय ग्लोबल टेक्नोलॉजी सबमिट का, आठवां अध्याय ग्लोबल टेक्नोलॉजी सबमिट का कौन सा देश होस्ट कर रहा है? कौन सा देश होस्ट कर रहा है बताएं जल्दी से। भारत, इटली, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम? सो ये इंडिया होस्ट कर रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, उन्होंने खुद इसका इनॉग्रेशन किया अपने हाथों से, भारत देश। चलिए अगला सवाल, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किस सिटी में हुआ? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी एक कॉमनवेल्थ गेम्स के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं बैडमिंटन को लेकर, तो उनके नाम के ऊपर ये ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी, और ये एक इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने वाला ट्रॉफी है जिसमें बहुत सारे विदेशी देश हिस्सा लेते हैं। तो कौन से सिटी में होता है हर साल ये एक ही सिटी में होता है हर साल, लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का किसने जीता? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का किसने खिताब जीता? सो ये खिताब फ्रांस को हराकर जीता गया, और फ्रांस को किसने हराया? जर्मनी ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता, जर्मनी ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीत लिया। चलिए सो इसी के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।